हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए 10:30 बज गए हैं, सुबह का टाइम। अभी सारा काम मेरा हो गया है, मैं नहा ली हूँ आज, जल्दी सारे काम ख़त्म कर ली हूँ, बस थोड़ा सा खाना बनाना है। यहाँ पर अभी आप सब देख सकते हो घर का क्या हाल हुआ है और कितना तहस नहस जैसा लगा हुआ है। और बहुत मतलब कि सुबह से ही काम हो गया था, और जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि शिफ्टिंग में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। मुझे तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन इतना जल्दी देखना पड़ेगा। अभी तो आए हुए इसमें 2 महीने ही हुए हैं कंप्लीट, और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। ऊपर से ठंड का दिन है ना, तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। बहुत छोटा दिन करता है और अयांश भी अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। यहाँ पर मैं लग गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि वो जो आए हैं ना उनको भी देंगे, उन भैया को जो सामान हमारा हेल्पर जो आए हैं हेल्प करने के लिए, और मैं भी पी लूँगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मौसम भी उतना अच्छा था नहीं आज का। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मेरी पलंग की क्या हालत हो गई है। और यहाँ पर ना आदित्य के पापा मतलब कि रेंज से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे, और वो खुल भी गया था। बाकी के जितने भी सामान था, मैं और आदित्य के पापा आशी इन भैया को देते जा रहे थे कि ये नीचे उतारने का काम कर रहे थे और फिर गाड़ी में रखने का काम कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए मतलब कि यहाँ पर हासी क्या कर रही है, कुछ गिर गया था ना तो उसे भी रख रही है साथ में। 2 बार सामान लेकर चले गए हैं, लास्ट अभी बचा है थोड़ा सा। यहाँ पर ये एक टेबल बचा है और वो रूम भी अभी हो ही गया है। टीवी है एलईडी, जो कि सावधानी से लेके जाने का चीज़ है, इसी वजह से अभी यहाँ पर टीवी है। और अयान से यहाँ पे सोया है और हम लोग जाएंगे लास्ट में, तो थोड़ा सा इस घर से दूर पर ही है इसी वजह से। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है ये देखिए। और मुझे लगता है कि ये एक यहाँ पे फोल्डिंग चौकी है, मुझे लगता है 2 बार और होगा, लास्ट में हम लोग जाएंगे बैठ कर। एक बार ये बचा खुचा सारा सामान लेके चले जाएंगे, और किचन का सामान है, मतलब कि 3 बार में तो हो ही जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पर ना कुछ चीज़ें देख रही थी कि बाहर में कुछ भूल ना जाऊँ। क्या होता है ना कि साइड में मैं रखी रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो वही मैं चेक कर रही थी। और यहाँ पर मैं देखिए आप सभी को ये लास्ट टाइम दिखा रही हूँ कि इस बालकनी का व्यू कितना अच्छा है। और यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाती थी आसानी से, कुछ भी चीज़ घटता था ना तो आराम से यहाँ पर सभी चीज़ अवेलेबल था तुरंत घर के नज़दीक ही। और ये यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस मैं आप सभी को भी थोड़ा सा दिखा रही थी यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, ये इन्वर्टर है जो कि यहाँ पर, इसे भी अभी खोल कर मतलब कि ले जाएंगे ताकि पकड़ने में वो आसानी होता है जब इसके साइड साइड के कवर को खोल देते हैं। तो यहाँ से सारे कपड़े पैक तो हो ही गया था, कपड़े वगैरह सब चीज़ चला गया है, ये पूरा रूम ये अभी खाली हो चुका है और कुछ ही सामान बस यहाँ पर बचा हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा रही हूँ घर का क्या हालत हो गया था। और यहाँ पर ना मैं सोच रही थी मैं आज क्या बनाऊँ, सैटरडे भी है आज, और मतलब कि खिचड़ी वो भी है, खिचड़ी मैं बना रही थी यहाँ पर, और सरस्वती पूजा भी है आज, और इतना काम भी है मेरे पास, तो खिचड़ी बना दे रही थी यहाँ पर ताकि हम लोग अभी खा ले गर्मा गर्म। और क्योंकि फिर वहाँ पर जाके तो खाना पीना हो ही नहीं सकता है, मुझे नहीं पता पर रात में भी क्या खाना हो पाएगा ये मेरे लिए बहुत मतलब कि मतलब नहीं हो पाएगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। अयांश भी है ना छोटा, तो उसे उसके पीछे मेरा आधा दिन से ज़्यादा समय चला जाता है, मैं कुछ काम ही नहीं कर पाती हूँ जब तक अयांश को कोई लेता नहीं है ना। छोटा था वो बहुत देर तक सोता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ सोता ही नहीं है दिन में, और खैर कि वो रात में सोता है। और अभी यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे उतार रही हूँ, जिस तरीके से मैं मतलब कि एक हफ्ते तक तो मैं इस घर को सजाने में लगी थी, लेकिन एक हफ्ते के बाद मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आप सभी को प्रॉब्लम बताई कि
कि बालकनी में इन्होंने कहा था कि हम मतलब कि थोड़ा सा ऊपर करवा देंगे जो रेलिंग है उसे, लेकिन इन्होंने नहीं करवाया था, तो फिर वो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना यहाँ पर, इस वजह से फिर मैंने बंद कर दिया और मैंने कुछ नहीं सजाया। आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आपका जो ये किचन है यहाँ पर आप पर्दा लगा दीजिए, मैं ज़रूर लगाती अगर मैं कंफर्म हो जाती कि हाँ मुझे यहीं पर रहना है, तो मैं यहाँ पे पर्दा भी लगाती और बहुत सुंदर से फिर धीरे धीरे सारी चीज़ों को एडजस्ट करती। लेकिन मेरा खुद ही मैं खुद परेशानी में चल रही थी, तो अभी मैं क्या बताऊं किसी को और क्या मैं कर रही हूँ, क्या मेरे मन में चल रहा है, तो बस इसी वजह से कुछ नहीं कर पाती थी। बस दिन कट रहा था और हमें हम इस घर में ना 5 तारीख को शिफ्ट हुए थे और जिस इसी दिन हम लोग निकल रहे हैं, तो आज का दिन 5 तारीख है और इत्तेफाक से आज सरस्वती पूजा है यानी कि बसंत पंचमी। तो 5 तारीख 2 महीने लग गए हमें एक घर खोजते खोजते। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, पिछले टाइम हमारे पास टाइम नहीं था तो ये घर हमने ढूंढा था 1 महीने का टाइम है, और अब हम मैं जिस घर पे जा रही हूँ वो 2 महीने लग गए एक अच्छे बजट में, अच्छा घर ढूंढना अच्छे लोकेशन में। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वाला, मतलब इतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट काम होता है ना, लगता है कि लाइफ का ये चैलेंज मैंने ले लिया है, ऐसा एक टास्क था हमारे लिए। तो बस यहाँ पर देखिए मैं सारे किचन के जो मेरे डब्बे हैं उसे रख रही हूँ, और मेरी बहुत आज का दिन ना मेरे लिए बहुत थकावट भरा दिन था, बहुत ज़्यादा मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, और यहाँ पर तो कम काम हुआ, और जब मैं इस घर से जाती हूँ उस नए वाले घर पर जहाँ पर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ तो मानो क्या पूछिए मत, रात भर तो एक तो नींद नहीं लगी थी, ऊपर से ना बहुत ज़्यादा मतलब कि आप सब जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, ठंड भी मुझे इतनी ज़्यादा लगती है इस साल, ज़्यादा मुझे लग रही है कि इस साल कुछ ज़्यादा ही ठंड है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड, जबकि मैं पूरे इस मतलब कि सर पे स्कार्फ बांध कर रखती हूँ, पूरे इस मतलब कपड़े भी अच्छे से स्वेटर वगैरह पहन के रखती हूँ, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और फ्रेंड्स बस यहाँ पर धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को सेट कर रही हूँ, और गैस के चूल्हे पर मैंने खिचड़ी भी रखा हुआ है बनने के लिए, वो हो गया है लगभग, बस अभी हमें खाना है। और बस यहाँ पर इस रूम में जितने भी बिस्तर थे जैसे ब्लैंकेट वगैरह मतलब जितना भी सामान था वो सब भी अभी पैक हो गया है, मैं निकाल के यहाँ पर रख दे रही हूँ बाहर ताकि वो ले जाएँ, वो भैया नीचे उतार के रखें। अभी तो वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, दोपहर तक हमारा सारा काम हो गया था। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, अब मेरी आवाज़ आप सभी को थोड़ा सा गूंज रही होगी क्योंकि ये पूरा घर खाली हो गया है, थोड़ा सा अभी बाकी रह गया है, हम लोग अभी मैंने खिचड़ी बनाया तो खिचड़ी खा लेंगे और फिर जो बर्तन गंदे रहेंगे यहीं पर मैं धो लूँगी, क्योंकि देखिए वहाँ पर भी जाने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा। कल गए थे आदित्य के पापा, लेकिन बस वो घर की सफाई करके ऐसे आए थे, और अभी मैं जाऊँगी तो सभी चीज़ों को सेट करूँगी, फिर थोड़ा सा साफ अच्छे से करूँगी, उसके बाद ही सारे सामान को किचन में अरेंज करूँगी, तो बहुत काम हो जाएगा। और फिर वहाँ पे जाने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता शायद ये रात भी हो सकता है, तो जल्दी कर रहे हैं हम लोग अभी। और अब वहाँ पर ना मैं अपने सारे सामान को ले आऊंगी, बेड सोफा, यहाँ पर ना इस घर में वैसे मेरे सारा सामान था ही, वॉशिंग मशीन हर चीज था, बस एक अलमारी बेड और सोफा ये 3 चीज नहीं था, और उसके बिना मेरा घर भी अधूरा लग रहा था। मैं इस घर में ज्यादा सजाई भी नहीं थी क्योंकि देखिए एक हफ्ते तक तो मैं यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहीं पे मैं रहूंगी, लेकिन एक हफ्ते के बाद होता नहीं कि अब सब्र करने से कोई फायदा नहीं है, तो इसी वजह से। और अच्छा घर ढूंढते ढूंढते तो बहुत टाइम हो गया, अच्छा घर तो मिल जाता है लेकिन अच्छे पैसे में अच्छा घर नहीं मिलता है, जैसे कि बजट में ही रहे और सब कुछ देख के चलना पड़ता है, तो इतना टाइम लग गया, जगह देखनी पड़ती है, लोकेशन देखना पड़ता है। देखिए अयांश, अयांश सबको हाय बोलो, हाय सबको हाय बोलो, हाय बोलो, देखो 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 तुम्हारी मौसी
उसके बाद यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि मैंने खिचड़ी बनाया था, अभी हमने सब ने खा लिया है। और मैं बनाई थी टमाटर की चटनी, क्योंकि इससे जल्दी और ऐसे काम भरे वाले दिन में ना मैं कुछ बना ही नहीं पाती, तो ये बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए। तो बस यहाँ पर बर्तन जो गंदे थे उसे मैं वॉश कर दे रही हूँ और फिर इसे भी मैं भर दूँगी और ये भी फिर चला जाएगा गाड़ी में। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरा घर खाली हो गया है, पूरा पीछे किचन, बस थोड़ा सा और यहाँ पे सामान रह गया है थोड़ा सा। और अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बस अभी है नीचे, देखिए कुछ सामान है। और उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हो पूरा गाड़ी यहाँ पे लोड हो चुका है और ये लास्ट ट्रिप जा रहा है। और बस अभी ये रख कर आएंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे, आदित्य आसी भी चले जाएंगे। और यहाँ पर देखिए बस एक आध चीज़ रह गई है जो मैं खुद लेकर जाऊँगी, जैसे कि कुछ होता नहीं है ज़रूरी मेन चीज़ें, वो मेरे साथ ही जाएगी हमें। और पूरा भी तो बस अब ये लास्ट हो गया है, तो मैं लास्ट ट्रिप जब जा रहा था मैं खुद नीचे उतर गई थी इतने ऊपर से। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगी।